कार्तिक मास में 14 दीपोत्सव को रूप चौदस के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन को पूजन अर्चन करके छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। खासकर महिलाओं में पर्व को लेकर अधिक उत्साह देखा गया। महिलाओं ने जहां सौंदर्य संसाधन की वस्तुएं खरीदी, वहीं दिन भर ब्यूटी पार्लर में भी भीड़ दिखाई दी। सुबह से ही ब्यूटी पार्लर में भारी भीड़ लगी रही, जो देर शाम तक चलती रही। इस दौरान श्रीजी कॉलोनी ब्यूटी पार्लर संचालिक का किरण तोमर ने बताया कि महिलाओं ने पूर्व से ही बुकिंग कराई है और श्रृंगार के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, जिसमें मुख्य रूप से आईब्रो और ब्लीच की मांग अधिक होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष त्यौहार में ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले हाय एवरीवन, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रूप चौदस का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है और रूप चौदस के दिन स्पेशली महिलाएं अपने आप को अच्छे से अच्छा सुंदर दिखने के लिए रेडी होती हैं। तो आज के टाइम पे हम लोग सब अपने आप को रेडी करने के लिए पार्लर या कहीं ना कहीं जाने किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आज मैं अपने सबसे अच्छी आंटी प्रियंका पार्लर में आई हूँ, जो यहाँ पे आंटी हम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और आप पहले जैसे दिखते थे और आंटी जो आपको एक ट्रीटमेंट देती है ना, उससे बिल्कुल आप चेंज हो जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रूप चौदस के दिन एक दिन मिलता है तो ज़रूर अपने आप को आप यहाँ पर आएँ और अपने आप को एक बार मौका दे खुद के लिए, खुद का टाइम निकाल के। हैप्पी रूप चौदस। सारिका, सभी को मेरी तरफ से रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये त्यौहार हम दीपावली के एक दिन पहले मनाते हैं, धनतेरस के बाद में। इस दिन भारतीय महिलाएं अपने सौंदर्य को निखारती हैं और इसीलिए मैं भी आज खरगोन के जाने माने पार्लर प्रियंका ब्यूटी पार्लर पे आई हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर किया है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। तो मैं रूप चौदस मना रही हूँ आज, और आंटी जो यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से मेकअप करके दिया है। आज ऐसा कहते हैं कि अपने रूप को निखारना चाहिए भारतीय महिलाओं ने, इसीलिए आपके रूप, ये आपके लिए त्यौहार है, ये भारतीय महिलाओं के लिए त्यौहार है कि आप अपने आप को समय दें, अपनी खूबसूरती को निखारें। हर औरत, वो भले कैसी भी हो, वो अपने आप में एक मतलब सुंदरता की मूरत है। हम देवियों को पूछते हैं तो आज हम भी हमारी देवियाँ बन जाते हैं। इसलिए रूप चौदस की सबको शुभकामनाएं और खुशियों से आपकी दीपावली भरी हो। थैंक यू। मैं प्रियल शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।